तो दोस्तों, 1 महीना मुझे हो गया ये लेनोवो वाइब K5 नोट लिए हुए। तो आज मैं इसके फुल रिव्यू दूंगा आपको कि मुझे 1 महीने के यूज़ के बाद ये फ़ोन कैसा लगा, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, ये इसके गुड्स क्या हैं, बैड्स क्या हैं, इसकी बैटरी बैकअप क्या रही है, इसका कैमरा क्लियरिटी क्या रहा है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी रिस्पॉन्स क्या है। आज पूरी बातें हम इस वीडियो में करेंगे डिटेल में। तो अगर सो इसके फ़ोन की लुक की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि काफ़ी प्रीमियम लुक लगती है 13,000 के रेट में, ये देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी सॉलिड बात है। सॉलिड की बात करें, फ़ोन की मजबूती काफ़ी है, गिरने पर भी इसे कुछ होने वाला नहीं है आसानी से। मुझे ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा तीसरा फ़ोन है। पहले मैं सैमसंग के फ़ोन यूज़ करता रहा हूँ, तो अब ये मैंने अपना प्राइमरी फ़ोन रखा है जिसकी, ये अगर इसकी बात करें, ये लिनोवो वाइब K5 नोट, इसकी 64 GB अपनी इंटरनल मेमोरी है और 4 GB इसकी रैम है, जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे काम के लिए तो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि मुझे इस तरह का फ़ोन अभी तक नहीं मिला है 13,000 के प्राइस में। इतनी चीज़ें इसमें हैं कि आप अपने पैसा वसूली वाली बात कह सकते हैं कि आप अगर 13,000 रुपया पे कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा बढ़कर पैसा वसूली मिल रही है। अगर हम इसकी बात करें प्रोसेसर, इसमें 64 बिट का लगा हुआ, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें तो 13.9 सेंटीमीटर है जो कि फुल HD है। तो अगर एक्सपेंडेबल की इसकी बात करें कि कितनी मेमोरीज की हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो 28 है, 128 GB तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इवन हमें एक 64 GB इसकी अपनी मिल जाती है और 128 तक हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये 13,000 के प्राइस में। अगर हम इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें अब, तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इतना रिस्पॉन्सिव है कि ये देखिए आप। मेरे फ्रेंड ने लिया हुआ है अपना, ये उन्होंने Redmi Note 3 लिया, उसका इवन इतना सेंसर काम नहीं करता जितना इसका करता। चाहे मैं राइट से लगाऊं, ये देखिए, लेफ्ट से लगाऊं, ये देखिए, ये देखिए, फिर से बंद करता हूँ, कोई भी एंगल से मैं लगा लूँ, फिंगरप्रिंट इसका सेंसर है जो कि ओके रिपोर्ट है उसकी, हर टाइम वो काम अगर करेगा, ठीक है। अगर कैमरा क्लियरिटी की बात करें, अगर हम आप बात करते हैं कि कैमरा कैसा होगा इसका, फ्रंट कैमरा मैं बता दूंगा आपको इसका, वो 8 MP है, ठीक है। उसकी अगर क्लियरिटी आप देखना चाहते हैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। मुझे तो सुपर्ब लगी, ठीक है, मुझे इसकी क्लियरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए आपको देखने में। मेरे लिए ये बड़ी बहुत बढ़िया फ्रेंड है दोस्त, फ्रेंड ये फ़ोन है मेरे लिए बहुत बढ़िया फ्रेंड ये फ़ोन रहा है, ठीक है। और आप अगर इसके प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये इसका 13 MP हमें कैमरा मिलता है, वो भी LED फ्लैश है, ठीक है। सिम की बात करें, इसमें डबल सिम है ये, और नैनो सिम पड़ती हैं, और LTE है, ठीक है। बड़ी बात इसमें 4G है, ये फ़ोन 4G बोल्ट सपोर्ट करता है, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं कहीं भी 4G नेटवर्क पे, LTE इसमें मिल गया हमें। बैटरी की बात करें तो 1300 mAh की बैटरी मिलती है जो कि नॉन रिमूवेबल है, निकलती नहीं है, ठीक है, बैटरी इसके बीच रहती है। अगर बैटरी के बैकअप की बात करें, नॉर्मल बात रहती है कि बैकअप कैसा देगा फ़ोन, ठीक है, तो बैकअप की बात करें तो ये मेरे लिए, मैं अगर बात करूँ 24 घंटे में, मैं फ़ोन ज़्यादा नहीं तो 14-15 घंटे फ़ोन में चलाता हूँ, ठीक है, देखता रहता हूँ, तो मेरे लिए ये फ़ोन एक दिन निकाल देता है, एक दिन, हाँ एक दिन तो ठीक है, 12 घंटे मेरे लिए निकाल देता है ये फ़ोन, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एवरेज यूज़र हैं, सिर्फ आपने फ़ोन करना है, नॉर्मल फेसबुक या व्हाट्सएप देखना है, तो आपके लिए 24 घंटे आराम से ये फ़ोन निकाल सकता है, मेरे लिए 12 घंटे निकालता है। मैं क्योंकि मेरे लिए, मैं पूरा दिन बताया कि मैंने 16 घंटे काम करूँगा या 15 घंटे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। बैटरी बैकअप के लिए भी, बैटरी के बैकअप के लिहाज से भी ये फ़ोन बढ़िया है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। 13,000 के रेंज में ये फ़ोन है, पैसा वसूली वाला फ़ोन है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये पैसा वसूली वाला फ़ोन है। गेमिंग के एक्सपीरियंस मेरे लिए ये अच्छा है, ठीक है। मैं इसमें ब्रदर्स इन आर्म जो गेम है, वो कि 1 GB से ऊपर की गेम है, मैंने वो इसमें चलाई है आराम से। एसफॉल्ट है, वो भी 1 GB के ऊपर, 1.5 GB का आप लगा लो, इनमें गेमें चलाई हैं मैंने, स्मूथली चलाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसमें आप बोलें कि कोई लैग से या हैंग कर रहा है या रिस्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप जो चीज़ें मर्जी इसमें प्ले करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर ये देख लीजिए, इसमें एक BB रेसिंग है मेरे पास, आपको एक डेमो ही दिखा देता हूँ, बीच बगी,
हर एक बंदे को फ़ोन जब लेता है उसको ये रहता है कि ये चीज़ें सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये मेरे दोस्तों, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, तो मुझे किसी का नहीं पता कि वो क्या इस फ़ोन के बारे में कहता है, क्योंकि जितने भी आप देखोगे हर बार अलग अलग रिव्यू आपको मिलेंगे। तो मुझे कुछ इस टाइप का ये फ़ोन लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे कोई कंपनी का वो लेना देना कि मैं कुछ अच्छा बोलूँगा इसके बारे में तो मुझे कोई फ़ायदा होने वाला, मुझे कुछ नहीं है। मुझे जैसा ये फ़ोन लगा मैं वैसे बता रहा हूँ। आप देखो स्पीड, आप खुद देख सकते हैं इसकी। आप कह सकते हैं आसम फ़ोन, गेम एक्सपीरियंस में भी ये फ़ोन बढ़िया है। वाओ, वाओ। तो गेमिंग एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस के लिए ये मेरे लिए बड़ा बढ़िया फ़ोन रहा है ये, ठीक है। मैं इसमें काफ़ी गेम्स डराता रहता हूँ, जब देखो तभी लगा रहता हूँ गेम के लिए। फ़ोन की स्पीड देखें आप, क्योंकि अगर 4 GB रैम मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो हमें फ़ायदा हो गई है। मैं अगर कोई चीज़ भी यहाँ से डाउनलोड करता हूँ प्ले स्टोर से, तो वो सेकेंड्स में वो इंस्टॉल होती है। जो कि मेरे पास पहले फ़ोन था जिसकी रैम 1 GB, 1.5 GB, 2 GB रही है, वो इंस्टॉलिंग में टाइम लगता था। डाउनलोड हो जाता, उसके बाद इंस्टॉल, जो इंस्टॉल की प्रोसेस है वहाँ पर टाइम लगाता था, बट ये ऐसा नहीं है। म्यूज़िक की बात करें या आप साउंड की बात करें, तो क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको इसकी मैं म्यूज़िक बता देता हूँ कि साउंड क्लियरिटी कैसी है, ये देखिए। साउंड काफ़ी प्यारी इस फोन की, एकदम लगता है जैसे कहीं गिटार बज रहा हो। तो बस बस मैंने आपको बताया कि इसमें 4G है ये, ठीक है, वोल्टी सपोर्ट करता फ़ोन। इसमें कोई एडिशनल आपको जियो की कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कॉल यहाँ से हो जाती है। जिसको भी आप मिलाना चाहें, सिंपल एक नंबर डायल करिए और कॉल मिल जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें हम अगर इसके, तो इसमें मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ये देखिए, डबल टैप टू बैकअप फ़ोन। ये मेरे पास पहले फ़ोन होता था अपना माइक्रोसॉफ्ट का लूमिया, ठीक है, उसमें ये फ़ीचर देखा था डबल टैप टू बैकअप। ये देखिए, डबल टैप करिए आप डिस्प्ले पर, काफ़ी अच्छा फीचर है ये, आपका टाइम सेव करता है ये चीज़ें। फीचर के मामले में ये फ़ोन काफ़ी आगे बढ़ गया ये। अगर फीचर में आप चले जाएँ, फीचर क्विक स्नैप, ठीक है, अगर आपका फ़ोन ये देखिए जैसे बंद पड़ा है, आप ये वॉल्यूम बटन को 2 टाइम्स दबाते हैं, जैसे डबल वॉल्यूम बटन को आप दबाते हैं, जैसे देखिए मैं दबाता हूँ इसको 2 बार, 1 2, यहाँ से ये डायरेक्ट फ़ोटो ले लेता है, ठीक है। ये फीचर इसका काफ़ी अच्छा है, आपको अपना फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर फ़ोन आप जेब में पड़ा है, आप जस्ट अपने जेब से निकालिए और फ़ोटो लेना तो ऐसे से कर लीजिए। ये देखिए इसका फ़ोटो आ जाता है, मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ, अगर ये पड़ा है मैं इसका फ़ोटो लेना चाहता हूँ तो। ये देखिए फ़ोटो, काफ़ी बढ़िया फीचर है ये भी टाइम सेविंग फीचर है इसका। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉक नॉक टू लाइट, जैसे कि डबल टैप टू, बड़े सारे फीचर हैं इसमें फ्रेंड्स का। ये पैसा वसूली करने वाला फ़ोन है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप ज़रूर ले लीजिए। VR मोड इसमें पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात है ये स्क्रीन जोन मैनेजमेंट। आप अपने एक फ़ोन पर 2 स्क्रीनें चला सकते हैं, मतलब 2 विंडोज़ लगा लो आप, अपने लिए अलग बना लीजिए, अगर आप किसी को फ्रेंड को देना चाहते हैं, किसी और मेंबर को देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिक्योर जोन मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है, यहाँ से अगर एक्टिवेट कर देते हो तो यहाँ पे 2 जोन आ जाएंगे। जैसे ये चीज़ है ना, ये ऐसे करेंगे तो इधर वाला फ्रेंड के लिए पोर्शन बन जाएगा, अगर आप उसको वो वाला एक्टिवेट करके खोल कर दे देते हैं तो वो सिर्फ वही चीज़ें देख पाएगा जो आपकी रियल में
पड़ी हैं वो नहीं वो देख पाएंगे, ठीक है, आपका वो डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो उसी जोन में रहेंगे, इसलिए इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया सिक्योर जोन मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योर, आप अपना सिक्योर रख लीजिए और जनरल के लिए वो वाला उनको दे दीजिए पोर्शन। तो ओवरऑल एंड में ये फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं 13,000 के रेंज में, आपका अपना बजट ज़्यादा नहीं है, तो हर एक चीज़ आपको फ़ोन में चाहिए, तो आपके लिए ये ऑप्शन लिनोवो Y5K5 Note 64 GB ये बेस्ट रहेगा। अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं तो मार्केट में आपको अच्छे अच्छे फ़ोन में मिल सकते हैं, बट मेरे लिए ये, अगर मैं, मेरी बात मानो तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि मुझे हर इसमें हर एक फीचर मिला है। पहले मैं 10,000 की रेंज में रहा, फिर मैं 12 की चढ़ा, 12.5 की चढ़ा हूँ, अब मैंने 13,000 का ये फ़ोन लिया, 13,500 का। अब अगर आप लेते हैं तो ये मैंने देखा था फ्लिपकार्ट पे, अभी 13,000 का ये फ़ोन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स भी हैं कि इसमें हैंग करता है या गर्म होता है या कुछ भी होता है, पर मेरे लिए कुछ ऐसा कभी मेरे फ़ोन में तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं इसने कभी हैंग किया। और गर्म होने की बात रही तो गर्मियों में फ़ोन नॉर्मली गर्म होते ही हैं, ठीक है। ओवरऑल यही है कि अच्छा फ़ोन है, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की रिव्यू देता रहूं, जो भी चीज़ें हों उनके रिव्यू दो, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।